नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शैक्षिक समाचार राजस्थान की प्रमुख खबरें। कुबेर पाटीदार के साथ। पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारी और पेंशनर का डीए बढ़ाया जयपुर। पांचवा वेतनमान ले रहे कर्मचारी वर्ग चार्ज और पेंशनर के लिए सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। शिक्षकों की काउंसलिंग स्थगित, कोटा। विशेष पूर्व मैट्रिक परीक्षा के फॉर्म जमा कराने की तारीख बढ़ाई, कोटा। तीन परीक्षाओं का सिलेबस जारी, अजमेर। राजस्थान लोक संघ आयोग ने शुक्रवार को तीन भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस जारी कर दिए। पात्र अभ्यर्थियों की कोटा में लिखित परीक्षा 29 जुलाई को, अजमेर। अपने स्कूल से 12वीं पास भी दे सकेंगे नीट परीक्षा, नई दिल्ली। शिक्षकों का टीओ कार्यालय में प्रदर्शन, बीकानेर। 8वीं की किताब में तिलक बने आतंक के पितामह, स्वाधीनता संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में सही अर्थ में देखा जाए। निजी विद्यालयों को मिली फीस बढ़ोतरी के मामले में राहत, जोधपुर। गर्मी की छुट्टियों में स्कूली छात्रों को एनआरसीई में मिलेगा निशुल्क प्रशिक्षण। सरकारी बैंक कर्मी 30 मई से 48 घंटे की हड़ताल पर, नई दिल्ली। एम्स के एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश के लिए होने वाले एंट्रेंस टेस्ट का प्रवेश पत्र जारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्स में प्रवेश के लिए 15 मई से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। 65,000 छात्रों ने जेई एडवांस के लिए नहीं कराया रजिस्ट्रेशन। सातवें वेतन आयोग का एरियर 2016 से देने की मांग। डिटेल ही होंगे निदेशक माध्यमिक शिक्षा। पीटीटी बीए बीएड प्रवेश पत्र डाउनलोड में आ रही है परेशानी, अजमेर। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के समाचार में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।